केजीएफ 2 में साउथ स्टार यश के नाखो चने चबाने के लिए कमर कैसे कस चुकी हैं रवीना टंडन। साउथ स्टार यश क्या पानी भक्त हैं? संजय दत्त क्यों बोले प्रार्थना करता हूं कि मेरा बेटा मेरे जैसा ना बने। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। सुपरहिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाले साउथ अभिनेता यश अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। इसी बीच सुपरस्टार यश की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसमें अभिनेता अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ नजर आ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यश और राधिका की इसी फोटो में 9 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। एक्टर के फैंस इस तस्वीर पर भी कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं। मालूम हो कि साउथ अभिनेता यश ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ साथ फैंस को पत्नी अनुकूल नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। अभिनेता यश ने आगे लिखा, कर्नाटक सरकार ने नए लॉकडाउन नियम बनाए हैं और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पत्नी से इस नियमों का कुछ तो लेना देना है। घर पर रोज 8 बजे वापसी और रविवार को पूरा लॉकडाउन, वैसे भी ये पत्नी के अनुकूल नियम में बैठता है। कृपया कर पवित्रता और सुरक्षा दोनों को रखने में मदद करें। साउथ अभिनेता यश का ये पोस्ट उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। राधिका पंडित को 6 साल तक डेट करने के बाद यश ने 2016 में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। इन दोनों की शादी की तस्वीरें काफी पसंद की गई थी। मालूम हो कि साउथ इंडस्ट्री में राधिका और यश की जोड़ी काफी पसंद की जाती है। शादी के बाद 2 दिसंबर 2018 को उनके घर में बेटी आयरा और 30 अक्टूबर 2019 को बेटा आयुष ने जन्म लिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 1 की सफलता के बाद अभिनेता यश दर्शकों के लिए केजीएफ चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यश के साथ अहम किरदार में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन दिखाई देंगी। एक रिपोर्ट की माने तो रवीना टंडन ने अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा है, मैं एक नेता के किरदार में हूँ, मेरा किरदार काफी मजबूत है, जो फिल्म में हीरो होने के साथ साथ एक विलेन के रोल में भी दिखती हैं, जिसे कहानी में बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन ने अपने हिस्से की शूटिंग लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली थी। अब वो फिल्म के लिए डबिंग सेशन को जल्द ही शुरू करने वाली है। ये एक बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक होगी। ड्रग्स की लत और कानूनी उलझनों से गुजर चुके बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का कहना है कि एक पिता होने के नाते वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उनके जैसा बने। दिवंगत दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय ड्रग्स की समस्या से जूझ चुके हैं और इसके लिए सुधार गृह भी जा चुके हैं। उन्हें 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के एक मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन भयानक विस्फोटों में 250 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। हाल ही में एक इवेंट के दौरान संजय से जब उनसे पूछा गया कि वो बच्चों के लालन पालन को लेकर अपने दिग्गज पिता से अपनी तुलना कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा, हमारे पिता ने हमें सामान्य बच्चों की तरह पाला पोसा, मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, मैंने कड़ी मेहनत की और मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं उन्हें जीवन के मूल्य मंत्र सिखाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें संस्कार देता हूँ और सिखाता हूँ कि बड़ों का सम्मान करना जरूरी है, चाहे वो आपके नौकर ही क्यों ना हो। साथ ही ये भी कि उन्हें जिंदगी की अहमियत समझ में आनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा मेरी तरह ना बने, क्योंकि मेरे पिता जिससे गुजरे मैं उसे नहीं गुजरना चाहता। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 आपने देखा ही होगा, कैसे उसे दर्शकों ने पसंद किया और कैसे बॉक्स ऑफिस पर उसने कमाल दिखाया। लेकिन इसके साथ साथ इसके दूसरे भाग में दिग्गज अभिनेत्री रवीना टंडन और संजय बाबा यानी कि संजय दत्त इस फिल्म से जुड़ने जा रहे हैं। तो क्या ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन पाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीक्राफ्ट स्टूडियो।